अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अक्सम मौज़म है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ एट मरहम। विटामिन डी डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली अलामत जो आपके अंदर पाई जाती है दैट इज़ बोन वीकनेस। आपकी मसल्स बोन्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रेगुलर जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। सेकेंडली अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, वन ऑफ द साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ डिप्रेशन, और इसके साथ साथ फटीग, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। देन अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पेयर करती है और लोअर साइड पे ले जाती है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार होते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंट इलनेस कह सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वूंड हीलिंग की, तो आपकी वूंड को टाइम पे हील नहीं होने देती अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंट हो तो इस तरह से जो वूंड हीलिंग है वो इम्पेयर हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन भी देखा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपनी डाइट के अंदर, अपने सप्लीमेंट्स के अंदर विटामिन डी 3 को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात कर लेते हैं एस्थेटिक कंसर्न में, तो एस्थेटिक कंसर्न में अगर हम देखें तो हेयर लॉस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक कॉज जो कि विटामिन डी 3 की वजह से हो रहा होता है। मेल फीमेल दोनों के अंदर ये बहुत परेशानी का बायस बनता है। मेल्स के अंदर ये हेयर लाइन को रिसीड कर देता है, और इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी बैल्ड पैचेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद डेंटल इश्यूज जो हैं वो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रैकिंग हो रही है, दांत टूट रहे हैं बहुत इजीली, तो वो भी विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के 2 डेफिशिएंसी के बारे में, इसकी क्या अलामत हो सकती हैं और वो कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्लीडिंग। बेसिकली जो विटामिन के है दैट इज़ अ क्लॉटिंग फैक्टर। अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपकी क्लॉटिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्रूजिंग के चांसेस यानी नील का पड़ जाना बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो उसके अंदर ब्लीडिंग का ना रुकना और इंटरनल हेमरेज हो जाना यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों के अंदर ग्रोथ के बारे में, तो बच्चों की ग्रोथ जो है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है विटामिन के। विटामिन के नहीं होगा तो आपके जो बच्चों की ग्रोथ है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके दिल की शरियाने होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसकी कैल्सिफिकेशन करा देता है विटामिन की डेफिशिएंसी, और होता यह है कि ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्ट हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कुछ विटामिन्स को अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में इस्तेमाल करें तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करता है, जिसके अंदर हमारे पास एक विटामिन D3 है और एक K2 है। इसका कंबाइंड फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ वेरी पोटेंट एंड मोर पावरफुल। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। उसके अंदर पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है सनलाइट। हमारे यंगस्टर्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी इसीलिए देखी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है बच्चों का, या फिर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से जो विटामिन डी है वो डेफिशिएंट हो जाता है। अगर आप में इन सब में से कोई भी अलामत पाई जाती हैं तो आप अपने विटामिन D3 लेवल्स को मॉनिटर करवाएं और अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक सनी डी प्रो को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें।